वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाथी हूँ वीडियो के साथ। तो आज बात करने वाले हैं पबजी के लौटने के बारे में। तो पबजी मोबाइल जो है काफी समय पहले जो है इंडिया में बैन हो चुकी थी, और उसके बाद काफी सारे रूमर्स जो आए थे कि पबजी कोलैब करने वाली है जियो के साथ, एयरटेल के साथ, या खुद वो पबजी अपने नए वर्जन को जो है लॉन्च करने वाली है इंडिया में। तो पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से जो है काफी सारे रूमर चल रहे हैं, और आज की बात की जाए तो आज के दिन में ही जो है रूमर्स सच होने वाले थे। मतलब जो है 20 नवंबर को जो है पबजी इंडिया में फिर से लॉन्च होने वाला था। तो ऐसी कई सारी चीजें न्यूज में चल रही है। इतना तो पक्का है कि पबजी इंडिया में फिर से वापसी करने वाला है, और कुछ ही दिनों में, या तो इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जो है पबजी इंडिया में पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा। और ये जो है इसके जो सर्वर्स हैं वो सारे इंडिया में ही होंगे मौजूद। मतलब जो है एक डेटा प्रोटेक्शन जो है सिक्योरिटी का जो इश्यू था, जिसके चलते जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो इंडिया की है उसने बैन किए थे 118 समेत चाइनीज ऐप को। तो ये सारे ऐप जो है प्रोटेक्शन के जो है एक क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे थे। जो सिक्योरिटी है लोगों की, इंडियन लोगों की, वो काफी ज्यादा पेनिट्रेट हो रही थी। इसी के चलते जो है पबजी टिकटॉक जैसी जो है ऐप्स को बैन किया गया था। मगर पबजी जो है काफी काफी दिनों से प्रयास कर रहा है कि नए उनके जो लॉ है इंडिया के मिनिस्ट्री के, उसको फॉलो किया जाए, जो लोगों का डेटा है उसको प्रोटेक्ट कैसे भी कैसे लोगों को एक सेटिस्फेक्शन दिया जाए, गवर्नमेंट को एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनको लगे कि जो है सिक्योरिटी इशू जो है सॉल्व हो चुका है। तो क्राफ्टन या पबजी मोबाइल जो टेंसेंट के साथ जो है चाइना का वर्जन जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था, ये वैसे तो साउथ कोरियन ऐप है, साउथ कोरियन गेम है, मगर जो है टेंसेंट के साथ जो चाइना का टेंसेंट एक बहुत बड़ा गेमिंग का बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है, जिससे जो है पबजी मोबाइल है उसको लॉन्च किया गया था इंडिया में, उसके चलते ही जो है इसके सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो सिक्योरिटी इशू है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे। मगर जो है पबजी इंडिया है वो फिर से तैयारी कर रहा है, पबजी इंडिया के नाम से जो है लॉन्च होने की तैयारी में लगा हुआ है। तो पबजी इंडिया जो बैटल ग्राउंड है उसको लॉन्च होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया, और इंडिया में जल्द ही जो है पबजी लॉन्च होने वाला है इंडिया के खुद के सर्वर के साथ। जो सर्वर्स हैं वो सब इंडिया के ही होंगे जी लौटने वाला इंडिया में। तो आपको क्या लग रहा है पबजी लौटने के बाद आप खेलने वाले हैं पबजी को? तो पबजी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, तो ये कब लौटता है वो सारी जानकारी मैं इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो सके और हम भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें, इंडिया के लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, गैजेट फिजिकल के नाम से वहाँ पे मैं मिल जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।